हेलो माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूं एक नए ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। और फ्रेंड, फाइनली हम लोग का दूसरा ट्रिप स्टार्ट हो चुका है, जो कि पटना से चंपारण का। तो चंपारण को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर नेपाल बॉर्डर को भी क्रॉस करेंगे। हम लोग ने सोचा है कि नेपाल बॉर्डर को भी क्रॉस करना है और आप लोग के लिए उसका भी हम लोग ब्लॉग लेकर आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि ये जो ब्लॉग होने वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो ट्रेन देख रहे हैं, हमारी ट्रेन पाटलिपुत्रा एक नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है और ये जो जाएगी रक्सौल तक। और ये ब्लॉग हर ब्लॉग से काफ़ी हटके होने वाला है फ्रेंड्स। ये ब्लॉग में आपको हर चीज़ें देखने को मिलेगी। इस वीडियो को आप लोग स्किप कर बिल्कुल भी ना देखें। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और अगर इस वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यही हम लोग का ट्रेन यहाँ पर खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर एक पे। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं खुल रही है। इसका पार्चर टाइम था 3:50 पर, अभी 4:17 हो रही है। काफ़ी गर्मी है और देख सकते हैं अभी मुंह सूखना स्टार्ट हो चुका है। पानी पीते रहना होगा क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी का मौसम है, तो अगर पानी नहीं पियेंगे तो डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी। देख सकते हैं यही कुछ नज़ारा है पाटलिपुत्र स्टेशन का। जब तक ये ट्रेन नहीं खुलती है, कुछ मैं बता देता हूँ इस स्टेशन के बारे में। पटना में जो रेलवे स्टेशन है वो 4 रेलवे स्टेशन, पहला है पटना जंक्शन, दूसरा है पाटलिपुत्रा जंक्शन और तीसरा है राजेंद्र नगर टर्मिनल और चौथा है दानापुर जंक्शन। टोटल 4 स्टेशन है इस पटना सिटी में। इधर देख सकते हैं ये जो है ये पाटलिपुत्रा स्टेशन का ये ओवर ब्रिज है। तो है यही कुछ नज़ारा है पाटलिपुत्रा स्टेशन का। हॉर्न तो देर, ये पता नहीं कब खुलेगी ये ट्रेन, ना लेट पता नहीं क्यों कर रही है यार। सो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे खुल चुकी है हमारी ट्रेन। देख सकते हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन से काफी लंबे इंतजार के बाद। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा दीघा ब्रिज, जो कि ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं ऊपर में है रोड वे और नीचे है ट्रेन वे। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से रेल चलती है और ऊपर से व्हीकल्स चलते हैं। और इधर देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है, इधर गंगा माता और इधर सूरज देवता जी, तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन एक साथ देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप गंगा ब्रिज देख सकते हैं, यहाँ से दीघा ब्रिज है ये, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा देख सकते हैं। और नीचे में गंगा माता,
और फ्रेंड्स सोनपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ, और यहाँ पर सोनपुर स्टेशन पे यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज है इस ट्रेन का, और यहाँ से हम लोग चलेंगे हाजीपुर जंक्शन, और हाजीपुर में भी 5 मिनट का स्टॉपेज है। और ये हमारी ट्रेन खुल चुकी है सोनपुर स्टेशन से, सोनपुर स्टेशन के बाद अब आएगी हाजीपुर जंक्शन। तो हाजीपुर पहुंच गए फ्रेंड्स, सोनपुर के बाद अब हाजीपुर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं हमारी ट्रेन खड़ी है, और यहां पर भी लगभग 5 मिनट का स्टॉपेज है, और इसके बाद डायरेक्ट मुजफ्फरपुर जाएगी, और मैं आपको डायरेक्ट अब मुजफ्फरपुर में मिलता हूं।